पन्ना के सिमरिया से मथुरा जाने के लिए एक बीमार पिता अपनी 4 वर्ष की बेटी के साथ निकला था। इसी बीच अस्पताल चौराहे के पास से उसकी मासूम बेटी कहीं लापता हो गई। बीमार पिता का कहना है कि बेटी का अपहरण किया गया। बेटी के गायब होते ही बीमार पिता कोतवाली पुलिस के पास शिकायत करने पहुंचा, लेकिन पुलिस ने उसे भगा दिया और उल्टा गुमराह किया। जब थक हार कर पिता दमोह लौटा तो एक वकील की मदद से वह SP ऑफिस अपनी व्यथा सुनाने पहुंचा, जहां से उसे फिर कोतवाली पहुंचा दिया। दरअसल पन्ना ने सिमरिया गांव निवासी पूरन लाल रजक एक दुर्घटना में अपनी पत्नी बेटा और बेटी को खो चुका है और लकवा ग्रस्त हो गया। पूरन अपनी 4 साल की बेटी को लेकर मथुरा कुछ कमाने धमाने या किसी आश्रम में शरण के लिए निकला था, लेकिन दमोह में उसकी बेटी लापता हो गई। लकवा पीड़ित पूरन ने बड़ी मुश्किल से बताया कि अस्पताल चौराहे पर एक महिला और पुरुष आए थे जो गुलाबी और पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। वह जय गुरुदेव के नारे लगा रहे थे और मेरी पुत्री को अपने साथ भंडारा खिलाने ले गए और मुझे अस्पताल में भर्ती करवाया। तभी से उसकी वह लकवाग्रस्त अपनी बेटी की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा है। भारतीय न्यूज के लिए दमोह से चतुर्भुज बिट्टू दुबे की रिपोर्ट। ओम गुरु नमा तो हमने आपस कहती थी कि भाई साहब इस तरह नहीं करना हो रही धरती की जमान की जहाँ हमारे ये पाल होना बोल रहे। चलो ठीक है, ये सिमरिया का रहने वाला है पन्ना जिले का। ये 3 जुलाई 2023 को आया था दमो मथुरा वृंदावन जाने के लिए। तो अस्पताल इसके साथ में इसकी 4 वर्ष की पुत्री परमीरा जगली इसके साथ में। तो अस्पताल चौराहे पे आया तो यहाँ कहीं भंडारा चल रहा था, जय गुरुदेव के नारे लग रहे थे। तो भंडारे में एक युवक और एक युवती जो गुलाबी लाल गुलाबी रंग के कपड़े पहने थे, इन दोनों को वहाँ ले गए, 2 दिन भंडारा खिलाया। फिर 4 तारीख को किसी हॉस्पिटल में इसको भर्ती कराया और 4 तारीख को ही इसको भर्ती करा के छोड़कर इसकी 4 वर्ष की पुत्री परवी रजक का अपहरण करके ले गए। इसके साथ में इसका मोबाइल भी ले गए और 4 जुलाई 2023 से ही अपनी पुत्री को ढूंढ ढूंढ के परेशान है। पुलिस ने इसकी कोई मदद नहीं की है, फिर इसके ना गुमशुदगी रिपोर्ट पूछे ना ही FIR दर्ज हुई। फिर कल ये 7 अगस्त 2023 को कोतवाली गया तो उन लोगों ने बोला कि बनवा तरफ आप ढूंढने जाओ, तो ये अपना सब कुछ 1,70,000 रुपये में बेच के लड़की को ढूंढने निकला और 700 रुपये में ऑटो करके बनवा लोहारी आसपास के कई गांव में इसको अपनी पुत्री को तलाश किया, लेकिन पुत्री नहीं है। तो उसके बाद ऑटो मेरे पास इसको लेके आया, मैंने इसकी व्यथा सुनी और एक लिखित आवेदन बना के SPC के साथ समक्ष दिया है। हमारा मीडिया के जरिए सबसे निवेदन है कि इसकी 4 वर्ष की पुत्री पर भी रजक अगर किसी को मिले तो इसके लिए वहाँ पर कोतवाली में या SDR में उसको सुपुर्द किया जाए। क्या नाम है आपका? हमारा राजेश कुमार पटेल, अधिवक्ता हूँ दमोह का। इनको कुछ बीमारी बीमारी है क्या है, इनको बोलते नहीं मर रहे, क्या समस्या है? इसको लकवा की बीमारी लग चुकी है, लकवा लगा है इसका, क्योंकि इसकी दुर्घटना में पत्नी एक पुत्री और एक पुत्र पहले से ख़त्म हो चुका है। उस सदमे से के कारण इसको भी लकवा लग गया है। इसका एकमात्र वारिस इसकी पुत्री 4 वर्ष की परमी रजा बची थी, जो भी उसके लिए अपहरण धमोह से कर दिया गया है। ये गंभीर विषय है, आज तक 1 माह होने के पश्चात भी इसकी पुत्री का कोई पता नहीं। Subscribe now to most exciting channel ever.